जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम आपको एक गुड न्यूज देने जा रहा हूं जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि सभी लोग चाहते हैं कि कब वंदे भारत का एक इनॉग्रेशन हो और आपको उसमें सफर करने का मौका मिले। सभी लोग हमेशा वंदे भारत की लॉन्चिंग आपको देखने को मिले। तो एक रिपोर्ट निकल कर सामने आई है जो कि एक नया रैक निकल कर पहुंची है, इसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि ICF से निकली वो सोलो कोच वाली वंदे भारत एक्सप्रेस आखिर में कहां पर उसकी लॉन्चिंग इंडियन रेलवे करने वाली है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि ये सोलो कोच वाली अभी फिलहाल में हमारी वंदे भारत 8 कोच के साथ अभी चल रही है, लेकिन यह जो रैक निकल कर पहुंची है यह 16 कोच वाली वंदे भारत है और इसको किस रूप में इंडियन रेलवे चलाने जा रही है इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों अगर बात करें वंदे भारत एक्सप्रेस वर्तमान में पश्चिम बंगाल में अभी फिलहाल में संचालित हो रही है। 5 वंदे भारत एक्सप्रेस में से 4 हावड़ा से प्रस्थान करती है। हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस, हावड़ा पुरी वंदे भारत एक्सप्रेस, हावड़ा पटना वंदे भारत एक्सप्रेस और हावड़ा रांची वंदे भारत एक्सप्रेस और फिर से एक और वंदे भारत एक्सप्रेस हावड़ा पहुंच चुकी है उस स्टेशन पर। वंदे भारत एक्सप्रेस के कोच की संख्या 16 है, यानी कि 16 कोच वाली वंदे भारत वहाँ पर अभी फिलहाल में पहुंच चुकी है। इस स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस पहुंची है, उस स्टेशन पर कोई नया रूट नहीं चलाया जाएगा। अतिरिक्त रैक के रूप में वंदे भारत एक्सप्रेस रैक को उस स्टेशन पर लाया गया है, यानी कि जब रूट हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस, हावड़ा पुरी वंदे भारत एक्सप्रेस और हावड़ा पटना वंदे भारत एक्सप्रेस अगर किसी भी प्रकार से उसमें कोई तकनीकी खराबी अगर आ जाती है तो उस समय इस वंदे भारत एक्सप्रेस का इस्तेमाल इंडियन रेलवे करने वाली है। मैं आपको बता दूं कि आखिर में अतिरिक्त रैक की क्यों आवश्यकता इंडियन रेलवे को उस रूट पर पड़ी है, अतिरिक्त रैक क्यों लाया गया है। तक हावड़ा में वंदे भारत एक्सप्रेस का कोई अतिरिक्त रैक अभी तक नहीं था। ऐसे में अगर वंदे भारत एक्सप्रेस में कोई यांत्रिक खराबी आ जाती है तो रेलवे को वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ती है। जैसे कि आपने देखा कि फिलहाल में एक वंदे भारत में कोई तकनीकी खराबी आई थी जिसके चलते उसके वंदे भारत के पैसेंजर को दूसरे ट्रेन में यानी कि युवा एक्सप्रेस में उन लोगों को भेजना पड़ा। अभी हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस में यांत्रिक समस्या आ गई है, उसी स्थिति में वंदे भारत एक्सप्रेस को युवा एक्सप्रेस के रैक के साथ सोमवार और मंगलवार को हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी बनाकर चलाया गया। कुछ यात्री इसे बेहद नाराज भी हुए, रेलवे को टिकट का पैसा भी रिफंड करना पड़ा। जिन लोगों ने पूजा की छुट्टियों के दौरान हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस में टिकट बुक की थी और सोच रहे थे कि क्या उन्हें अंत में युवा एक्सप्रेस में चढ़ना होगा, ये खबर उन लोगों के लिए अच्छी खबर है जिन्होंने वंदे भारत का टिकट कराया था। लेकिन जब वे पहुंचे तो पता लगा कि वंदे भारत में तकनीकी खराबी के कारण उन्हें अब दूसरे ट्रेन यानी कि उन लोगों को इंडियन रेलवे ने युवा एक्सप्रेस से उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया। लेकिन वंदे भारत में सफर करना सभी चाहते हैं, उस स्थिति में अगर एकाएक इंडियन रेलवे उन लोगों को दूसरे ट्रेन से अगर गंतव्य स्थान तक पहुंचाती है तो पहुंच तो जाते हैं लेकिन उन लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगती है, इसीलिए इंडियन रेलवे ने एक नया रैक 16 कोच वाली वंदे भारत को वहां स्पेयर के लिए मंगाया है। अगर इन वंदे भारत में किसी भी प्रकार की जो चल रही है उसमें किसी भी प्रकार की अगर खराबी आती है तो उसको स्पेयर रैक के रूप में रखा जाएगा और किसी भी प्रकार की तकनीकी खराबी अगर आती है तो इस रैक को जिसमें खराबी आई है उसके बदले इस वंदे भारत को वहां के लिए भेज दिया जाएगा। ये भी इंडियन रेलवे का एक बहुत बढ़िया और अच्छा प्लान है, लोगों को राहत में मिलेगी और साथ में जो लोग वंदे भारत का टिकट लिए हुए हैं और उनको दूसरे ट्रेन से भेजा जाएगा तो उनको तकलीफ भी महसूस होता है। तो एक इंडियन रेलवे का बहुत ही अच्छा पहल है, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।